अस्सलाम वालेकुम वन क्लास, ओपन योर मैथ बुक्स पेज नंबर 59। फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटेन योर पेज, राइट क्लास वर्क, मेंशन डेट, मेंशन डे। क्वेश्चन नंबर 4 इज 12 डॉग्स एंड 4 कैट्स आर प्लेइंग इन द पार्क, हाउ मेनी एनिमल्स आर देयर आर टू। ओके, क्या पूछा उन्होंने कि पार्क में 12 डॉग्स हैं और 4 कैट्स हैं, तो पार्क में टोटल कितने एनिमल्स हैं। ठीक है, 12 में हमने कितने ऐड करने हैं, 4 ऐड करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 12 राइट करें, देन 4। अब 2 में कितने ऐड करने हैं, 4। 1 2 3 4 5 6, 2 में 4 और 2 प्लस किया तो क्या हो गया, 6, और 1 ऐसे ही आ जाएगा तो 16। तो पार्क में टोटल कितने एनिमल्स थे, 16। अच्छा, एक और बात है कि अगर आप 12 में 4 प्लस करें तो आप यहाँ से फिंगर से भी प्लस कर सकते हैं, 12 से आगे काउंट करना है। ये 4 फिंगर्स है ना, 1 2 3 4, 4 फिंगर्स हैं, 12 से आगे काउंट करना शुरू करें, 12 13 14 15 16, तो आंसर क्या आया, 16। आप फिंगर्स पे भी काउंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। समीर ईट्स 3 बंस एंड इमरान ईट्स 11 बंस, हाउ मेनी बंस आर ईटन ऑल टुगेदर। समीर ने कितने बंस खाए हैं, 3, और इमरान ने कितने बंस खाए हैं, 11। ठीक है, तो हमने 11 में टोटल बंस बताना है, तो 11 में 13 जो है वो ऐड कर देंगे। जस्ट लाइक अगर आपके पास 2 रुपीस हो और 2 रुपीस आपको कोई और दे, तो क्या क्या होगा कि आप टोटल रुपीस बताने हैं, तो आप 2 और 2 को इकट्ठा करेंगे ना, जमा कर देंगे, ऐड कर देंगे, उन दोनों को इकट्ठा करेंगे और बताएंगे कि 2 पहले थे और 2 अब मुझे किसी और ने दिया, तो कितने हो गए टोटल, 4 हो गए। ठीक है, इसी तरह इन ये जो क्वेश्चन हैं इनमें भी क्या करना है, टोटल बताना है, पहले कितने एक के कितने थे, उसके कितने थे, उन दोनों के ऐड कर देना, उसके उसमें ऐड करके आंसर बताना है। ठीक है, समीर ईट्स 3 बंस एंड इमरान ईट्स 11 बंस, हाउ मेनी बंस आर ईटन ऑल टुगेदर। 3 11, ये 3 लाइंस हैं और ये 1 लाइन है, 3 में 1 प्लस किया 4 और 1, कितने टोटल बंस हो गए, 11। अब आप इसको फिंगर पे भी कर सकते हो, ये 3 फिंगर्स हैं, 1 2 3, ठीक है, 3 फिंगर्स हैं, 11 में आपने 3 प्लस करना है, 11 12 13 14, तो आंसर क्या आया, 14। ठीक है, ओके, अभी तक आप लोगों ने क्या किया, 2 डिजिट को आपस में ऐड किया। नेक्स्ट पेज पे एडिंग 3 नंबर्स, 3 डिजिट को जो है वो आप लोगों ने ऐड करना है। ठीक है, अभी के लिए आपका इतना काफ़ी है, आपने ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो कर रहे हैं। कल जो हम वो करेंगे वो 3 नंबर्स को ऐड करना सीखेंगे। ठीक है, आप लोगों ने ये वाला पेज एक दफ़ा देख लेना है सब ने, ये देखें 7 + 3 + 6, 3 को ऐड करना है, 7 में 3 प्लस किए कितने हो गए, 10, और 10 में 6 प्लस किए तो 16। ये जो पूरा पेज है इसमें क्या है कि पहले जो 2 डिजिट होंगे इस सारे क्वेश्चन में, जो 2 डिजिट होंगे वो मिलके 10 बनाएंगे और उसमें एक नंबर ऐड करना होगा। ठीक है, जैसे इसमें 7 और 3 ने 10 एंड देन 6 ऐड किया, इसमें 7 और 3 है, ये उन्हीं डिजिट्स को आगे पीछे करके आंसर तीनों का 16 आया है। 7 3 और 6 को आप जितनी दफ़ा, अगर 3 ऊपर कर लें, 6 नीचे कर लें, 3 सेंटर में कर लें, 3 सबसे एंड पे कर लें, जो भी करें, आंसर जो है अगर इन तीनों डिजिट्स को आप प्लस करेंगे तो आंसर क्या होगा, 16 ही आएगा। ठीक है, कल जो हम वो ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ये वाला पेज करेंगे, 3 नंबर्स को ऐड करना सीखेंगे। ठीक है, आज के लिए आप लोगों का यही 2 क्वेश्चन जो है वो क्लास वर्क है। सबने अपनी अपनी बुक्स पे ये दोनों क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं, जिन्होंने कर लिए हैं बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।